8 महीना दिन हो गया बच्चा को, पैसा नहीं मिला है और आपकी बार डिलीवरी होगा तो नहीं जाएंगे। कहाँ डिलीवरी हुआ था? सरकारी अस्पताल में हुआ था। अभी तक पैसा नहीं मिला? नहीं, पैसा नहीं मिला है। खाता उता खोलाए, फोटो वोटो खिंचाए, फिर भी पैसा नहीं मिला है। बोला था कि हाथ में देंगे पैसा, पर दिया नहीं। इसमें हम लोग तो मानदेय उनसे कुछ है ये नहीं है, मानदेय तो दिया जाता नहीं है हम लोग को। जो हम लोग लाभार्थी से 300 रुपया मिलता है उसमें भी नहीं मिलता है, वो भी तुम रोका रखा हुआ है पैसा। हमारे देश के प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। हम लोग को नहीं लगता है कि इस तरह की गतिविधि अगर उनके अधीनस्थ अधिकारी चलाएं तो भारत में कभी अच्छे दिन आएंगे। जब मैं वीडियो लेकर विभाग से संपर्क की तो वीडियो देखकर स्वास्थ्य विभाग की निंद्रा टूटी और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान चेक द्वारा कर दी गई। कुछ समस्या था जिससे नहीं हो पा रहा था, अब दूर हो गया है और सारा पेमेंट चेक से किया जा रहा है और आगे से कोई ऐसा समस्या नहीं रहेगा। सेम डे 24 घंटे के अंदर पेमेंट किया जाए। एक आई थी समाज सेवी हलीमा एजाज करके, वो उन्हीं के द्वारा ही हुआ और उनके ही द्वारा ही पेमेंट भी समायोजन हो गया है और आगे भी करंट पेमेंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत के लिए चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। इसमें यह भी पाया गया कि दवा खरीद के मंगाया जाता था, उसको हमने बंद करवा दिया। खाना उसको मुफ्त में देना था, बहुत जगह चालू नहीं हो पाया था। हेल्थ सेंटर में और एडिशन पीएसए रिकॉर्ड यहाँ आते आते समय लग जाता है, वो पूर्ण रूप से भरा भी नहीं होता। अब प्लस उसमें कुछ कुछ फॉल्स रिपोर्टिंग भी हम लोगों ने पाया और जिस कारण से हम लोग आगे इसको नहीं बढ़ा पा रहे। आपका है मोनोकी विलोरिन, फुलकुमारी आपका है, लक्ष्मी आपका है। कितना का चेक आया है? 1400। क्या करना है इसको? भारतीय लोग को भी पैसा मिल गया, सहयार लोग को भी पैसा मिल गया। ये हलीमा दीदी का माध्यम से वीडियो करके ले गई तो उसका माध्यम से हम लोग को भी पैसा मिल गया। बकाया भी पैसा था 10, 11, 12, 13 का, वो सब भी मिल गया। 9 महीना हो गया था डिलीवरी हो जाने से, उसके बाद पैसा तो नहीं मिला। हलीमा दीदी आई, एक रोज वीडियो बना के ले गई, उसके बाद 1 महीना के अंदर पैसा तो मिल गया। ये पैसा अपने बेटी के नाम पे जमा कर देंगे। क्योंकि आपके खबर का असर फिल्म में देखने को हमें मिला, इसके लिए हलीमा एजाज और वीडियो वॉलंटियर्स के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यूं ही लोगों ने नहीं कहा है कि मीडिया संविधान की इकाई है और न्यायपालिका की चौथी स्तंभ, इसकी गरिमा को बनाए रखने में हमारी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं हलीमा एजाज, बागमारा, धनबाद, झारखंड से, इंडिया नेट।